इस कायनात में जितने भी दरख्त हैं अकलाम वो कलमे बन जाएं, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअ अबहरिन मा नफदत कलिमातुल्लाह। इस कायनात में जितने भी समंदर और दरिया हैं वो सब के सब स्याही बन जाएं, और जिन्नात और इंसान इकट्ठे मिलकर अल्लाह की हमदो सना को बयान करना शुरू करें, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू करें, तो यकीनन क़यामत आ सकती है, लेकिन मैं और आप जिन्नात इंसान अल्लाह की हमदो सना को बयान नहीं कर सकते। एक और मकाम पर अल्लाह खुद फरमाता है, वही तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ बंदो अगर तुम मेरी नियमतों को शुमार करना शुरू करो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। ये आयात सामने रखी और इंसान अपने वजूद पर गौर फिक्र करे, अल्लाह ताला की हमारे वजूद पर कितनी नियमतें हैं। मैं और आप सिर्फ अल्लाह की एक नियमत का शुक्र अदा करना शुरू करें, यकीनन मेरी और आपकी मौत तो आ सकती है, ये कायनात का निज़ाम तो खत्म हो सकता है, लेकिन मैं और आप अल्लाह की एक नियमत का हम शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। एक मिसाल दूंगा और फिर मैं तिलावत कुरान मजीद की तरफ आऊँ। आप सब बच्चे साइंस पढ़ने वाले हैं और हमारे सीनियर भी हैं, मुझे अभी पता चला कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं। हमारे वजूद में अल्लाह की एक नियमत है आंख, जिनके पास ये नियमत मुयस्सर नहीं है उनसे पूछिए इस आंख की नियमत की कदर क्या है, इसका मकाम क्या है। मैं और आप इसका भी अगर शुक्र अदा करें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। इस आंख के अंदर जो पानी है अगर वो खत्म हो जाए, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई, डॉक्टर्स के पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं आया कि इस आंख का जो पानी है उसको दोबारा पैदा कर सके, उसका कोई मुतबादल का इंतजाम कर सके। तो यही जो एक नियमत है, कोई भी नियमत लेने चाहिए अल्लाह ताला की, कोई भी बेकार नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी चीज को बेकार पे मकसद पैदा नहीं किया, हर चीज को बा मकसद और किसी न किसी मकसद के लिए और किसी फायदे के लिए पैदा किया। जानवरों को हमारे लिए पैदा किया है, कुछ वहां से दूध निकल रहा हमारे फायदे के लिए है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जा बजा बार बार इरशाद फरमा रहा है और फिर कहता है इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इस किताब में निशानियां हैं ईमान वाली कौम के। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून, इस किताब में निशानियां हैं उस कौम के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आज आपको यहाँ पर इनामात देने के लिए इकट्ठा किया गया है और एक तकरीब छोटी सी इसका इनाकात किया गया है, यकीनन एक तकरीब और अल्लाह की बारगाह में भी हो, मैदान महशर में भी हो, जहाँ मैंने और आपने अच्छे नंबर हासिल करने के लिए और पोजीशन हासिल करने के लिए असातिज़ा ने मेहनत की और तलबा ने मेहनत की और वालिदैन ने भी उन पर तवज्जो दी, और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और आपको इनामात से नवाजा जाएगा, यकीनन एक तकरीब और मैदान मस्जिद में भी बर्पा होगी और वहाँ पर अल्लाह ताला की अदालत होगी, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और सारी की सारी उम्मत वहाँ मौजूद होगी। जैसे यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमने मेहनत की, इसी तरह आखिरत में कामयाबी के लिए हमें मेहनत करना होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।
और जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको अपनी पहचान नसीब फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पहचान नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला बिलाग فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا